नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम आपके साथ आ चुके हैं एक बार फिर नई और बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कुछ वैकेंसी आई हुई है, उस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिस ECHS के थ्रू कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉलोइंग मेडिकल पैरामेडिकल एंड नॉन पैरामेडिकल स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल बेस इन रेस्पेक्ट ऑफ ECHS पॉलीक्लिनिक बरेली बदायूं रामपुर एंड मुरादाबाद अंडर ECHS सेल बरेली के थ्रू कुछ वैकेंसी आई हैं। दोस्तों इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वैकेंसी एक साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आई हुई है। जैसा कि आप यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं, वन ईयर यानी कि एक साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी आई हुई है। मिनिमम एज सब्जेक्ट प्रोफेशन ऑफ कैंडिडेट्स अदर कॉन्डिटेशन। चलिए दोस्तों, किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आई है और किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी वैकेंसी है, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप ए नंबर पे देख सकते हैं, OIC के लिए यहाँ पर एक वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएट आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों जिसमें बरेली बदायूं रामपुर एंड मुरादाबाद में एक एक वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इसके लिए इसकी आपको सैलरी 75,000 है दोस्तों, और इसकी इंटरव्यू डेट आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू डेट जो है दोस्तों 11 मार्च 2023 को है, शैल बरेली में आपके लिए ये इंटरव्यू होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, बी नंबर पे मेडिकल ऑफिसर MBBS की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट हैं, बरेली में 5 है, वहीं बदायूं रामपुर मुरादाबाद में एक एक पोस्ट यहाँ पर MBBS डॉक्टर्स की हैं। इनकी सैलरी 75,000 और इंटरव्यू डेट सेम ही है 11 मार्च के लिए। जैसे कि आप सी नंबर पे देख सकते हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट MD की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट है सिर्फ बरेली में, जिसकी सैलरी 1,00,000 रुपये है और इंटरव्यू डेट आपकी सेम है। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ई नंबर पर यहाँ पर फार्मासिस्ट वैकेंसी है, जिसमें B Pharma D Pharma वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें बरेली में टोटल 2 पोस्ट है, वहीं बदायूं में एक पोस्ट, रामपुर में भी एक पोस्ट है और मुरादाबाद में भी एक पोस्ट है। दोस्तों टोटल 5 पोस्ट है और इसकी सैलरी जो है 28,100 रुपये सैलरी आपका, और इंटरव्यू आपका 11 मार्च को इसका इंटरव्यू होना है। ऐसे ही दोस्तों कुछ और भी पोस्ट आई हुई हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, डेंटल ऑफिसर की भी यहाँ पर पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं डेंटल ऑफिसर की भी। दोस्तों बात करेंगे इसके फॉर्म के बारे में, आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों इसके अलावा लैब टेक्नीशियन असिस्टेंट की भी यहाँ पर 7 पोस्ट है टोटल। वही डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 2 पोस्ट है यहाँ पर, जो कि बरेली में ही है सिर्फ, और क्लर्क की भी यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट है। इसमें 2 बरेली में पोस्ट है टोटल, और इनकी सैलरी 16,800 है। इसका इंटरव्यू डेट 14 मार्च को इंटरव्यू होना है। दोस्तों बात करें इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी वेबसाइट भी दी गई है, www.echsgovernmentin वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों बात करें इसकी लास्ट डेट के बारे में, तो कैंडिडेट यहाँ पर 25 फरवरी तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी तक आपका अप्लाई मान्य होगा, उसके बाद अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों बात करें इंटरव्यू डेट एंड टाइमिंग भी दी गई है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11, 13 एंड 14 मार्च को आपका इंटरव्यू होना है। दोस्तों बात करें इसके फॉर्म डाउनलोड कैसे करें, तो दोस्तों हम इसका फॉर्म भी देख लेते हैं।
दोस्तों यही वो फॉर्म जो आपको भर के जमा करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपको ईमेल एड्रेस भी डालना है। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन भी भरना है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसी वैकेंसी से जुड़ी अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों इसमें हम एक बात और ऐड करना भूल गए थे, दोस्तों ये जो वैकेंसी हैं ECHS के थ्रू आई हुई है, वो भारत के कुल 30 राज्यों में वैकेंसी आई हुई है, तो आप अपने स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें यूपी में भी 3 जगह से ये वैकेंसी आई हुई है, इसमें लखनऊ और मथुरा से भी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों इस बारे में भी हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। दोस्तों थैंक यू।